Hello friends, welcome to Educational Talk. I am Mohit Ranta. Today we are going to start with National Park, Natural Park and Wildlife Sanctuaries. So let's start. ये हमारा स्टेट सिंबल है जिसमें हमारा जो राज्य पशु है स्नो लेपर्ड बर्फानी तेंदुआ और ये हमारा राज्य पक्षी है जुजुराना वेस्टर्न ट्रैगोपैन ये हमारा राज्य फूल है पिंक रोडोडेंड्रॉन गुलाबी बुरांश जो है और ये हमारा राज्य पेड़ है देवदार ट्री सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं नेशनल पार्क से द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कुल्लू में है ये पार्क 765 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है 1 मार्च 1984 को इस पार्क को स्थापित किया गया 2014 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया दूसरा जो नेशनल पार्क है वो है पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति ये 675 किलोमीटर स्क्वायर है और इसे 1987 जनवरी 9 को स्थापित किया गया तो आगे बात करते हैं नेचुरल पार्क्स की नेचुरल पार्क कुफरी में है जो कि शिमला में है दूसरा जो पार्क है वो मनाली में है कुल्लू ज़िला में तीसरा गोलापुर पार्क है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हिमाचल प्रदेश में 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे सो चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सबसे पहली है बांदली जो कि मंडी में है याद रखिएगा मंडी में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एक बांदली जो कि 41 स्क्वायर किलोमीटर में है ये 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी नारगू दूसरी है ये मंडी की सबसे बड़ी है 278 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है 1962 में ही ये भी एस्टेब्लिश हुई तीसरा है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 72 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है अब बात करते हैं सोलन की सोलन में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एक चायल है चायल 109 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये 1976 में एस्टेब्लिश हुआ है दूसरी है दारला घाट ये भी सोलन में है ये 6 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है और 1962 में एस्टेब्लिश हुई है तीसरी है मजाठल जो कि ये 40 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है ये भी 1962 में एस्टेब्लिश हुई इसके बाद बात करते हैं शिल्ली की ये शिल्ली है शिल्ली सोलन में है 2 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई 1963 में एस्टेब्लिश हुई याद रखिएगा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिल्ली ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सोलन ज़िला में है आगे बात करते हैं सिरमौर की सिरमौर में चूड़धार 66 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और 1985 में एस्टेब्लिश हुआ है अगला है सिंबलवाड़ा भी सिरमौर में है 19 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है 1958 में एस्टेब्लिश हुआ है आगे बात करते हैं रेणुका की रेणुका भी सिरमौर में है 4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है 1964 में एस्टेब्लिश हुआ है अगली बात करते हैं द्रांगटी की द्रांगटी शिमला में है 167 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है 1962 में एस्टेब्लिश हुआ है आगे बात करते हैं शिमला वाटर कैचमेंट की ये शिमला में है 10 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है और 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया अगला है तैरला ये भी शिमला में है ये 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है 1962 में एस्टेब्लिश हुआ है आगे बात करते हैं बिलासपुर की गोविंद सागर ये गोविंद सागर डैम है जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 100 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है 1962 में एस्टेब्लिश किया गया है इससे आगे बात करते हैं नैना देवी की नैना देवी भी बिलासपुर में है ये 123 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और 1962 में इसे भी एस्टेब्लिश किया गया अगला है गांगुल चंबा में है ये 109 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 1949 में इसे एस्टेब्लिश करा गया था
आगे बात करते हैं कुगती की। कुगती जो आपको पता होगा, कुगती दर्रा भी है, तो कुगती भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें ये चंबा में है और 379 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये 1962 में एस्टेब्लिश हुआ है। अगला है सेचू तेंतु नाला, ये भी चंबा में है, 103 स्क्वायर किलोमीटर में है, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ है। तुंडहा अगला है, ये भी चंबा में है, 64 स्क्वायर किलोमीटर, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ है। इससे अगला है कयास, कयास कुल्लू में है, 14 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 1954 में एस्टेब्लिश हुआ है। इससे अगला है काला टोप खजियार, ये खजियार चंबा में है, ये 69 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 1949 में एस्टेब्लिश किया गया है। अगला है कानावार, कानावार कुल्लू में है, 61 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। अगला है खोकन, ये कुल्लू में है, 14 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। मनाली जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था। आगे बात करते हैं धौलाधार की। धौलाधार कांगड़ा में है, 944 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 1994 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। अगला है सेंज, सेंज कुल्लू में है और 90 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 1994 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। आगे है किब्बर, किब्बर जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये लाहौल स्पीति में है, 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, 1992 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। अगली बात करते हैं तीर्थन की। तीर्थन जो वैली है, तीर्थन एक वैली भी है, तीर्थन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और 61 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, 1976 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। अगली बात करते हैं पोंग लेक की। ये जो पोंग डैम है वो कांगड़ा में है और 307 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, 1983 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बात करते हैं रूपी भाभा की। रूपी जो भाभा है, रूपी भाभा जो है ये किन्नौर में है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 503 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, 1982 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बात करते हैं रकचम चितकुल की। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और 304 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसे 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बात करते हैं लिपा असारांग की, जो कि किन्नौर में है, 31 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और 1962 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे जो वन्य जीव अभयारण्य, नेचुरल पार्क और नेशनल पार्क्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें चैनल को, जो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।